हेयर वी गो अगेन, हेयर वी गो अगेन, यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 गेम जीत जाए और उसके बाद हगे ना, नहीं क्या बात कर रहे हो। यूवेंटस वर्सेस जेनोआ, इस गेम का मैंने रिव्यू डाला और तहे दिल से जस्टिफाई किया कि आई हेटेड इट, बोरिंग गेम, एंड आई जस्टिफाइड कि मैंने अपनी जिंदगी के 60 या 65 मिनट बर्बाद कर दिए यूवेंटस को देख के, इतना बोरिंग फुटबॉल, कुछ सीखने को नहीं मिला। तभी एक बंदे का कमेंट आया कि भाई और रुक रुक रुक, तू इतने में मर रहा है, मैं यूनाइटेड को कितने टाइम से देख रहा हूं और हर टाइम अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं, बट स्टिल मैं कर जा रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है। बट नहीं नहीं, मैं ट्रिगर हो गया। मैंने कहा नहीं भाई क्या बात कर रहा है, तुम्हारी पिछले 3 गेम जीत रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो तुम, कोई नहीं। मैंने लिटरली, मैं अपने को चाटा मारने वाला फील कर रहा हूं लिटरली। मैंने क्यों किया, यानी कि मेरा कट गया, यानी कि मैं पिघल गया। यूनाइटेड गेम जीती और मैं पिघल गया। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि यूनाइटेड गेम्स जीते, गेम्स 2-3 लगातार, पिघलो मत, चुदोगे पिघलो मत, क्योंकि आई लिटरली थॉट कि मुझे लगा कि चल कोई बैकफायर आ रहा है, देखते कुछ अलग हो रहा है, कुछ इंटेंशंस दिख रहे, मुझे लगा सही में, बट नहीं। अगेंस्ट बोर्नेमाउथ, एक ऐसी टीम जो जहां पे जब तुम जाते हो विकरेज रोड में, तुम थोड़े कॉशियस होते हो कि ठीक है बढ़िया टीम है, बट नहीं, इतनी फायर टीम नहीं। इसे बताऊं तो पिछली 2 गेम्स गोललेस ड्रॉस, इतना अच्छा नहीं खेल रही, इतनी स्पॉटलाइट नहीं मिल रही, जो भी बक्चो दे ठीक है। तो यू गो देयर एज यू वेंट टू नॉर्विच, 4 बैक 4 बैक 5 मां का बोछड़ा, 3.6 सिंपल सी बात। बट यूनाइटेड ने फिर से हग दिया, फिर से हग दिया, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्टार्ट टू द गेम, डिस्पाइट ऑफ हैविंग समवट ऑफ अ ग्रिप टू द गेम, फिर से हग दिया। एक विशियस साइकिल से बन चुकी है, विशियस साइकिल, इससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, चुदे पड़े हैं, एंड साथ में रैशफर्ड का करियर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि रैशफर्ड डिस्पाइट ऑफ स्कोरिंग दोज नकल बॉल्स अगेंस्ट चेल्सी, कब तक मार लेगा यार, कब तक मार लेगा अकेला, कब तक कर लेगा, फंसा पड़ा है वो बेचारा, इतना इतना बढ़िया टैलेंट। एंड आई कंटिन्यूसली कंपेयर रैशफर्ड विद एम्बाप्पे, क्योंकि एम्बाप्पे एक पेडेस्टल पे बैठा है भोसड़ी का, है ना, पीएसजी में हर कोई इसको फीड कर रहा है, तू के उसके टट्टे चाट रहा है हर कोई, फ्रेंच भी, क्योंकि वो पीएसजी से खेलता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे रैशफर्ड सेम ही उम्र का ऑलमोस्ट, प्रेशर चड्डी खींच रही है यूनाइटेड फैंस उसकी, और दिस स्क्वाड, मेरी आफ्टर वॉचिंग दिस गेम, आफ्टर वॉचिंग दिस, आई टैक्टिकली क्वेश्चन ओले गुनार सोलशायर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया इससे कि यार रैशफर्ड की बेस्ट पोजीशन क्या है, ये क्वेश्चन सुनो, आंसर, ही कैन प्ले लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर, नंबर 10, ठीक है, फेयर इनफ। बट उसका आंसर आ गया, सुनो सुनो, आई वुड प्रेफर रैशफर्ड, उसने बोला, मोर सेंट्रल, मोर डायरेक्ट, मोर क्लोज टू द गोल, क्योंकि वो गोल स्कोरर है, इंस्टिंक्ट है, ठीक है। तो भोसड़ी के यहां पर लेफ्ट विंग क्यों खिलाया, क्यों लेफ्ट विंग में, किस क्या खींच रहा है वो लेफ्ट विंग में, क्या कर रहा है वो, अगर इतना ही है तो नंबर 10 खिला ले, कौन परेरा खेलेगा नंबर 10, अच्छा है वो, क्या करता है वो, क्या करता, क्या परेरा कुछ नहीं करता, सिर्फ एक चीज करता है, डीकॉय, यानी कि वहां से प्लेयर्स थोड़े अट्रैक्ट कर लेगा, कोई इसके पास आएगा भी नहीं बहनचोद, हर किसी को पता है क्या करेगा, प्लेयर्स अट्रैक्ट कर लेगा ताकि डैन जेम्स के लिए विंग खुल जाए और वो निकाल पाए ओवरलैपिंग रन, मां की चूत, कब की क्या है ये, रैशफर्ड को सेंट्रल क्यों नहीं खिलाते। यूनाइटेड इन माई ओपिनियन डज नॉट हैव दिस अप्रोप्रिएट बैलेंस डिफेंसिवली टू प्ले अ नंबर 10, दे डू नॉट डिजर्व टू प्ले अ नंबर 10 इन माई ओपिनियन, प्ले 4-4-2 डायरेक्ट, रैशफर्ड मार्शियल, और मेरी बात सुनो, प्री सीजन में काम जो किया है, ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ मार्शियल एंड रैशफर्ड, तो ये कब कम आएगी बहन छो, है दोनों को चिपका के रखो ना, रैशफर्ड ड्रॉप कर आराम से बिल्कुल कमांड करो, डायरेक्ट कमांड करो, बॉल को आस्क करो, मैग्वायर से कुछ आस्क लो, वहां नंबर 6 से कंबाइन करके फ्रेड से, फिर एशलियन आगे निकलेगा, फिर रैशफर्ड ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, क्लियर, मां की चूत, खत्म। टैक्टिकली क्वेश्चन देम, एंड बैक फाइव भी छोड़े, बैक फाइव भी खिला लेते, 5-3-2 ऐसे कुछ कर लो, रैशफर्ड मार्शियल, जब रैशफर्ड मार्शियल टीम में है तो क्यों ना उनको बेस्ट पोजिशन पोटेंशियल से यूज क्यों नहीं करते यार, परेरा क्या करता है, परेरा क्या करता है लिटरली। एंड इतना ये तो लिंगार्ड को लेफ्ट विंग पे खिला लो, वेंचो परेरा पता नहीं यार, पहली बात तो स्क्वाड इतना शॉर्ट है, ठीक है, स्क्वाड इतना घटी है, एंड मुझे फर्क पड़ता नहीं, ऑब्वियसली मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग लग रही हूँ मुझे पता है, बट स्टिल, बट थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि यार चल ठीक है 3 दिन आ गए, चल कोई नहीं यार, अब बड़ा क्लब है जीतता है, देखते हैं क्या कब तक चलता है, बाकी चूत हो चुकी है कि और बोर्नेमाउथ 4-4-2। शुरुआत में यूनाइटेड लुक्ड वेरी गुड, अग्रेसिव थी, और जितनी पिछली गेम्स मैंने यूनाइटेड की देखी है उसमें पता क्या होता है कि बड़ा ईजी, बड़ा एक ऐसे ऐसे एरियाज पिच में जहां पे जाना बहुत आसान है, जैसे कि फुल बैक का आगे बढ़ना आसान है, कोई एक हद तक एक विंगर्स को ट्रैक कर लेगा ना, क्या बात कर रहे हो, वहां तक बॉल आई,
फिर वहां से सेंटर खेलना मुश्किल है, उसके लिए गुदा चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए और स्किल्स चाहिए जो इतनी है नहीं, तो नंबर सिक्स से इतना कंबाइन करनी पड़ती। बट इस गेम में शुरुआत में दे डिड, फ्रेड अच्छा खेला था, मैकटोमिन अच्छा था, एग्रेसिव थे, और फिर मार्शियल ड्रॉप करा था विंग स्पेस में, मूवमेंट हो रही थी अच्छी तरह, परेरा डिकॉय सेकंड सेकंड स्ट्राइकर सब कुछ काम चल रहे हैं और थोड़ा बन भी रहा है, थोड़ा बन चीजें बन रही है, ठीक है, चांसेस मिस करी कोई बात नहीं, फ्रेड टैप इन, वो टैप इन है, मिस किया कोई बात नहीं। बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड टैक्टिकली मा की चूत, बट दिस ऑल डिटीरियोरेटेड, ये जो मोमेंटम था जो भी बोले, क्यों ये क्यों घटता गया, क्यों मेंटेलिटी, मेंटेलिटी है नहीं, मेंटेलिटी क्या होती है बड़े बड़े प्लेयर्स में होती है, और मेंटेलिटी पता और क्यों और कब होती है, जब प्लान है और प्लान बी, प्लान से सब कुछ होता है, जब कोच को पता कि चल ये नहीं काम करे, चल ठीक है देखते हैं क्या सीन बनता है, लिंगार्ड को ला रहा है वो, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बहन शोध।